दांत की सफाई, पेट विकार, मरोड़, ये जो पेट विकार अलग तरह की जो है, इसके लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपचार आज बताने वाला हूँ, जो आप करते हैं तो आपका ये प्रॉब्लम बहुत परसेंटेज में हल हो जाएगा। तो आइए इसके बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग मुझे संपर्क करते हैं कि भाई उनको पेट विकार का प्रॉब्लम है, ये फाइल की थप्पी लाते हैं, सब डॉक्टरों के पास में घूमे रहते हैं, सब तरह की जांच की रहती है और सब जांचें नॉर्मल है, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तभी भी प्रॉब्लम तो है। फिर डॉक्टर लोग उनको दिमाग शांत करने की गोलियां लिखते हैं। आज हजारों टन दिमाग शांत करने की गोलियां बेचे जा रही है पेट विकार के लिए। इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि ये दिमाग शांत करने की गोली पेट विकार के लिए क्यों दी जाती है और लोगों को फायदा क्यों होता है। क्योंकि पेट विकार का मानसिक कनेक्शन है सीधा। सेरोटोनिन लेवल जो है उसकी मात्रा ब्रेन में और पेट में कम हो जाती है और इसके वजह से पेट विकार होता है। स्ट्रेस से ऐसा होता है ज़्यादा, जो लोग स्ट्रेस में हैं, टेंशन में, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आते रहता है। पॉपुलेशन का 100 में से 10 से 15 लोगों को ये प्रॉब्लम है और लोग बाहर खुल के बात करते नहीं, ओपनली बात करते नहीं, लोगों को शर्म आती है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उसमें के कुछ लोगों को गैस निकलती है, फिर गैस की आवाज़ से उनको शर्मनाक लगता है, कभी कभी गैस की बदबू आती है तो उससे शर्मनाक उनको लगता है, ढकार आती रहती है, सबके सामने ढकार रहे तो उनको अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों को लूज मोशंस आते हैं बहुत, तो फिर उनको लगता है कि बाहर जाऊँ, लूज मोशन आ गया तो मैं कैसा क्या जाऊँ, इसलिए वो बाहर जाना बंद कर देते हैं। और बाकी सारे सिम्टम तो है ही, एसिडिटी है, बहुत जलन होती है सीने में, पेट में अंगार 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 होती रहती है, पेट फूल जाता है, पेट ऐसा बहुत भारी भारी सा लग जाता है जैसा वजन रखा हुआ है। इसमें दो प्रकार है, किसको लैट्रिन बहुत ज़्यादा होती है उसको IBS डायरिया टाइप बोलते हैं D, और जिनको लैट्रिन कम होती है IBS कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं IBS C। तो जिनको ज़्यादा होती है वो बाहर जाते नहीं है। लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है, जीवन जीने की क्वालिटी दर्जा, वो कम हो जाता है। मोशन नहीं आते हैं तो फिर उनको कैसा कैसा लगता है, पेट फूलते रहता है, दर्द है पेट में, मरोड़ है, रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, और उनको लगता है कि उससे भी गड़बड़ है। लोग सालों साल इससे परेशान हैं, प्रोडक्टिविटी कम हो चुकी है, काम करने आते नहीं है, घर में बैठे रहते हैं, घर के लोगों को ये बोझ लगता है कि बाकी सब तो ठीक है, फिर नाटक कर रहा है क्या, लोगों को लगता है कि नाटक कर रहा है, किसको काम नहीं करने का, मगर प्रॉब्लम तो है। इसके लिए हम अच्छी एलोपैथी दवाई देते हैं, उसके साथ साथ हिप्नोथेरेपी मैं करवाता हूँ, और उसके साथ साथ मैं आज बताने वाला हूँ एक घरेलू उपचार आयुर्वेदिक, कि जो आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बाकी दवाइयों के साथ साथ, बाकी मेडिसिन के साथ साथ इसका भी फायदा हो जाएगा। करना क्या है इसमें, जो आपके घर में मिलता है बस वही आइटम मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें है काला नमक, काली मिर्च और हींग, ये 3 आइटम आपको घर में होना जरूरी है। काला नमक जो है वो 1 चुटकी काला नमक लेना, वो ग्लास में डालना, 1 चुटकी काली मिर्च लेना, वो ग्लास में डालना, और 1 चुटकी हींग लेना और वो ग्लास में डालना। तो ग्लास में क्या हो गया, कॉम्बिनेशन तैयार हो गया 1-1 चुटकी का। क्या होता है कि काला नमक जो है ना वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, काली मिर्च जो है वो मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छी है, और हींग जो है वो गैस और पेट मरोड़ के लिए अच्छा है। तो ये 3 चुटकी ऐसे लिया और आपने ग्लास में डाल दिया। ग्लास में मट्ठा डालने का है, ठंडा मट्ठा, उसको घोलना है अच्छा। टेस्ट के लिए आप नमक डाल सकते हैं, और पूरा ग्लास का ग्लास, एक सुबह 1 गिलास और शाम को 1 गिलास, खाना खाने के बाद में, मतलब ब्रेकफास्ट के बाद में सवेरे ले सकते हैं, रात को खाने के बाद में आप ले सकते हैं। आप ये 3 महीने करो कंटिन्यूसली, देखो आपको फ़ायदा हो जाएगा। आप डेफिनेटली चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, आपने किया नहीं किया, रेगुलरली किया वगैरह। तो ये घरेलू उपचार आपको डेफिनेटली फ़ायदेमंद रहेगा और आपका जो प्रॉब्लम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का, ये बिल्कुल निकल जाएगा। इसके साथ साथ आपको जो मतलब अल्सरसम जो है या कोई मतलब प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उसका भी इलाज करना जरूरी है, वो छोड़ेगा। हिप्नोथेरेपी बिना दवाई का इलाज है, वो आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको बिना दवाई का फायदा हो सकता है। पर यह घरेलू उपचार है, इसको ज़्यादा कुछ पैसे लगते नहीं है, घर में आप तैयार कर सकते हैं ये मट्ठा और ये 3 आइटम जो मैंने बताया। वो फिर से बताता हूँ, काला नमक 1 चुटकी, काली मिर्च 1 चुटकी और हींग 1 चुटकी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर तमाम लोगों को शेयर करो, 100 में से 15 लोगों को ये प्रॉब्लम है, लोग अपना जीवन बहुत तकलीफ से बिता रहे, फायदा हो जाएगा। लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपका ख्याल रखिएगा, आपके परिवार का ख्याल रखो, क्योंकि आप बहुत बहुमूल्य हो। थैंक यू वेरी मच।